फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है बर्फ में घिरे एक जगह में स्लेज गाड़ी से किसी को लेकर जा रहे हैं, जो कि था कैप्टन असनार और उसकी दोस्त लेफ्टिनेंट जॉर्डनसन, जिसको उनके घर में लेकर जा रहे थे। वो लोग ग्रीनलैंड के ठंडी जगह पर रहने के कारण उसके दोस्त की टांगों में बहुत जख्म आ गया था। असल में ये घटना थी 1909 की, जहां उस समय अमेरिका एक प्रस्ताव रखता है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बीच में एक जलाशय है, लेकिन अमेरिका बोल रहा है कि ग्रीनलैंड के ऊपर सिर्फ डेनमार्क का अधिकार नहीं रह सकता। ग्रीनलैंड की उस जलाशय को आधा डेनमार्क की और आधा अमेरिका की माना जाता है। वो जलाशय पूरी साल बर्फ में ढके रहने के कारण से ये पता करना मुश्किल था कि वो जलाशय कौन से देश के अंदर है। लेकिन असल में वहाँ कोई जलाशय है या नहीं, इसका पता करने 6 लोगों की एक टीम को भेजा जाता है अल्बामा नमक एक जगह में, जिसमें कैप्टन असनार भी शामिल थे। ग्रीनलैंड के पास वो लोग पहुंच जाने के बाद भी कैप्टन असनार पहले उसकी एक दोस्त को लेकर उस जलाशय में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जगह बहुत ठंडी होने के कारण उसके दोस्त का पैर में जख्म आ जाता है, जिस कारण उसका एक उंगली काट के निकलना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली उसका पहला प्लान फेल हो जाता है, लेकिन वो वहां पर रुकने वाले नहीं थे। ग्रीनलैंड को बचाने वो दोबारा वहां जाने को ठीक करता है। पहली बार जाने के बाद वो बताता है कि इससे पहले बहुत लोग यहाँ आने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई एक दुर्घटना के कारण से वो लोग जिंदा नहीं बच पाए। लेकिन उन लोगों का एक डायरी और एक मैप कैप्टन को मिल जाता है, जिसकी मदद से वो अब और अच्छे से ढूंढने वाले हैं ग्रीनलैंड में वहाँ पर कोई जलाशय है या नहीं, और अगर है भी तो कौन से देश में पड़ता है। लेकिन वहाँ अकेले जाना खतरों से खाली नहीं था, इसलिए उसको एक दोस्त की जरूरत थी। उसकी दोस्त ये जानते थे कि वहाँ जाना मतलब मौत के मुंह में जाना, इसीलिए उसका कोई भी दोस्त वहाँ जाने को राजी नहीं था। लेकिन आखिर में एक लड़का उसके साथ देने में राजी हुआ, जिसका नाम आइवर था। आइवर के लिए यह सब कुछ नया था, क्योंकि वह कभी भी ग्रीनलैंड में नहीं गया था। और इसी तरह शुरू होता है कैप्टन की दूसरी यात्रा, जहां पर उन लोगों के साथ थे बर्फ में ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक स्लेज गाड़ी जिसमें बहुत सारे कुत्ते बंधे हुए थे, और उनके साथ था जमा देने वाली -40 डिग्री टेम्परेचर। 0 डिग्री से भी नीचे की टेम्परेचर में रहना कितनी खतरनाक और जानलेवा है, आप समझ पा रहे होंगे। हर दिन वो लोग थोड़ा थोड़ा करके पहाड़ चढ़ता था, और रात होते ही टेंट लगाकर सो जाना पड़ता था, और ऐसे ही करते करते उनका 26 दिन निकल जाता है। बर्फ में घिरे इस जगह में इतना ठंडा होने के कारण कोई इंसान या जीव जंतु का पता मिलना बहुत मुश्किल था। ये सब कप्तान के लिए आम बात था, लेकिन ईवार के लिए ये सब कुछ नया और एडवेंचर था। हमारे जीवन में कभी ना कभी कुछ अच्छे के साथ साथ कुछ बुरा भी हो जाता है, जो आइवर के साथ भी एक बार हुआ था। उसका एक गलती के वजह से उसके साथ रहने वाली एक कुत्ते पहाड़ के खाई में गिर जाता है, और सिर्फ यही नहीं, ऐसे खतरनाक जगह पर काम आने वाला उनका जरूरी सामान भी वह खो देता है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे खतरनाक जगह पर काम आने वाला उनका जरूरी सामान भी वह खो देता है। ऐसे ही 40 से भी ज्यादा दिन गुजर जाते हैं। एक तो पहाड़ी इलाका है, और ऊपर से इतना ठंडा इलाका होने की वजह से वहाँ पर खाने की प्लेट धोने के लिए भी बर्फ तोड़कर पानी निकालना पड़ता है। ये जगह इतनी ही ठंडी है कि यहाँ पर नाव से तो आ सकते हैं, लेकिन नाव से जाने के लिए आपको जुलाई से अगस्त महीने के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त महीने के बाद से यहाँ का सारा पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है, और अगले साल जुलाई महीने आने तक वह बर्फ पानी में नहीं बदलता। मैप के सहारे वह लोग जितना धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उनके लिए हालात और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो लोग जितना खाना लेकर आए थे, अब वो बहुत कम हो गया था, और जितना भी खाना बचा था उतना ही लेकर उनको गुजारा करना पड़ेगा जब तक उनका लक्ष्य पूरा न होता। इसीलिए वो लोग 2 टाइम खाने की वजह एक टाइम खा कर गुजारा करेगा। भूख और प्यास इंसान को जंगली जानवर बनाने में भी पीछे नहीं हटता। जो आइवर इतना दिनों तक कुत्तों को प्यार करते आ रहा है, वही आज कुत्तों की भूख मिटाने के लिए एक कुत्ते को गोली मारकर उनका निवाला बना देता है,
और ऐसे ही देखते देखते 80 दिनों से भी ज्यादा गुजर जाता है। अब उन लोगों के पास और खाना नहीं बचा था और वो लोग ठीक करता है कि रास्ता बदलेंगे, दो गाड़ी इस्तेमाल करने की बजाय एक गाड़ी इस्तेमाल करेंगे और फिर से उनका चलना शुरू होता है। बहुत टाइम तक चलने के बाद वो लोग एक जगह में पहुंच जाता है जहां वो पत्थर से बनाया एक घर देखते हैं, जिसका खोज में कैप्टन इतना दूर तक आया था। इस घर की खोज में जो लोग पहले भी यहां आए थे उनका कुछ खाना और कुछ सामान उनको मिलता है, जहां से उनको एक चिट्ठी भी मिलता है। वो चिट्ठी थी 8 अगस्त 1907 की, जिसमें लिखा था वो लोग सबसे पहले ग्रीनलैंड में आए थे लेकिन उनका शरीर कमजोर होने के वजह से वो लोग अपने नाव तक नहीं जा पाए थे, जो कि था 580 मील दूर। बहुत दिनों तक ठीक से न खाकर अचानक उनको खाना खाकर थोड़ा अच्छा फील होता है लेकिन उनका शरीर फिर भी कमजोर रहता है। इवार खाने की खोज में जाते हैं और तभी पीछे से उसको कुछ आवाज सुनाई देता है। जहां वो पीछे देखता है, एक बड़ा सा वाइट बेयर उसके कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है, पर कैप्टन का इतना सख्ती नहीं होती कि वो उस बेयर से लड़ पाई। तब इवर उस बेयर के ऊपर 2-3 गोली चलाते हैं और वो बेयर कप्तान के साथ बर्फ के नीचे पानी में गिर जाता है। उसके बाद इवर कैप्टन को पानी से निकाल लेता है लेकिन कप्तान थोड़ा जख्मी भी हो जाता है। दूसरी तरफ ठंड के वजह से और बेयर की हमले से सारे कुत्ते मर जाते हैं। नाव तक जाने के लिए अभी भी 200 मील बाकी था, इसलिए कप्तान सारे भारी सामान को जला देता है और साथ में स्लेज गाड़ी भी जला देता है और देखते देखते 160 दिन से भी ज्यादा हो जाता है। उनके यहाँ आने में जितना आसान था, जाना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। कैप्टन ये सोचने लगता है कि वो लोग शायद नाव तक कभी नहीं जा पाएगा, क्योंकि उनका शरीर एकदम उनका साथ नहीं दे रहा था और वो कभी भी मर सकते थे। इसलिए मरने से पहले वो लोग पत्थर से एक घर की तरह कुछ बना के, जो भी कीमती चीजें उनके पास था वो रख के जाना चाहते थे। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जितनी जल्दी हो सके नाव के पास पहुंच जाना। वो लोग एक रस्सी के सहारे कुछ रास्ता पार कर जाता है और फिर बहुत मेहनत के बाद वह लोग आखिर अलबामा पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद देखता है चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कोई इंसान की पता तो दूर की बात है। उनका नाव भी बर्फ में डूबा हुआ था। वहां से थोड़ा जाने के बाद उनको दिखता है एक घर बना हुआ है, उन दोनों को पहले लगा था, शायद उसके दोस्त लोग उस घर में हैं और उन लोगों ने ही इस घर को बनाया है। लेकिन जब वो लोग अंदर गया, वो देखा वहां नाव से बनाया घर के अलावा कुछ भी नहीं था। वो लोग उनको छोड़ के चले गए थे क्योंकि इतना ठंड के वजह से उनका जान जा रहा था। वो कम से कम 1 साल के खाना रख के और घर बना के चले गए थे। वापस जाने के बाद डेनमार्क की सरकार को सब कुछ बोलता है। उनके बीच लेफ्टिनेंट जॉर्गेंसन, जो कि कप्तान के साथ पहली बार ग्रीनलैंड में गए थे, वो सरकार से अनुरोध करता है कि कप्तान को बचाने के लिए कोई टीम वहां भेज दे। लेकिन सरकार इस मिशन के पीछे कोई भी पैसा लगाना नहीं चाहते और इस तरह से 240 दिन से भी ज्यादा निकल जाते हैं। सरकार समझती है कि कैप्टन और एवार मर गए हैं। वापस जाने के लिए कैप्टन के पास कोई जरिया नहीं था, तो कैप्टन और इवर अलबामा की उसी घर में रहने लगते हैं। लेकिन इसी घटना में इवर एकदम टूट जाता है, पर कैप्टन उसको भरोसा दिलाते हैं, कभी ना कभी तो कोई नाव आएगा और उनको यहां से लेकर जाएगा। ऐसे ही वो दोनों इतने दिनों तक साथ रहते हुए वो लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो लोग सही गलत, अच्छा बुरा सब एक दूसरे के साथ शेयर करते थे ताकि बाकी के दिन अच्छे से काट पाए। लेकिन कप्तान ठीक करता है कि वो लोग फिर से वहां जाएंगे जहां पर वह दोनों उनके जरूरी चीजें छोड़ के आए थे। यहां पर एक सवाल उठता है कि वहां पर वह लोग फिर से क्यों जाएंगे? वहां से तो वो लोग जैसे तैसे बचकर आए थे। पहले कप्तान को विश्वास नहीं था कि वह लोग अलबामा तक पहुंच पाएंगे, इसलिए वह लोग जरूरी सामान वहां छोड़ के आया था। 440 दिन के अंदर वो लोग उस जगह पर फिर से पहुंच जाता है और फिर वो जरूरी चीजें अपने पास रखकर फिर से 470 दिन के अंदर अलबामा पहुंच जाता है। तब तक अलबामा का बहुत बर्फ कम हो गया था। वो लोग वहां पहुंचकर देखते हैं उन लोगों को बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम वहां पर आई थी, लेकिन उस समय पर वो लोग पहाड़ पर जा चुके थे जरूरी सामान लेने।
और वो रेस्क्यू टीम वह पर उन लोगों को न ढूंढ पाने से उनके लिए एक चिट्ठी छोड़ के मर गए समझ के वहां से चले गए थे। इस घटना को सुनकर कप्तान बहुत टूट जाता है और दूसरे तरफ लेफ्टिनेंट दोबारा रेस्क्यू टीम भेजने का सरकार से अनुरोध करता है, लेकिन सरकार बोलती है कि ये हमारे लिए आखिरी बार था, वो लोग देख कर आए हैं कि वहां पर कोई जिंदा नहीं है तो हम और कोई रेस्क्यू टीम नहीं भेजेंगे। लेकिन ईवर और कैप्टन के अंदर जुनून कभी भी खत्म नहीं होता था। और ऐसे ही बीत जाता है 799 दिन से भी ज्यादा। धीरे धीरे कैप्टन जैसी कोई और ही दुनिया में खो जाने लगता है, उसको हलूसिनेशन होने लगता है और उसको अपनी गर्लफ्रेंड नाजा की याद आना शुरू हो जाता है। एक समय पर कैप्टन पूरी तरह से पागल हो जाता है और उसके गर्दन में एक घाव बनना शुरू हो रहा था क्योंकि बेयर से लड़ने के समय उसके गर्दन में चोट लग गई थी। एक तो पहले से ही वो लोग 2 साल से भी ज्यादा इस जगह पर रहते आ रहा है जहां एक भी लोगों का ठिकाना नहीं, और ऊपर से इतना दुख दर्द सहकर वो लोग अपना दिमाग ही संतुलन पूरी तरह से धीरे धीरे खो रहे थे। और अचानक एक दिन वो लोग देखता है एक भालू उसके घर के सामने आकर दरवाजे के पास पंजे मार रहे थे क्योंकि वो भालू भी भूखा था। लेकिन वो लोग चालाकी से उस बार बच जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे बीतता है 865 दिन और वो लोग धीरे धीरे अपना संतुलन खो रहे थे। और अचानक एक दिन वो लोग देखता है एक भालू उसके घर के सामने आकर दरवाजे के पास पंजे मार रहे थे क्योंकि वो भालू भी भूखा था। लेकिन वो लोग चालाकी से उस बार बच जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे बीतता है 865 दिन और वो लोग धीरे धीरे अपना संतुलन खो रहे थे। फिर 2 दिन बाद लेफ्टिनेंट अपने कुछ लोगों के साथ कैप्टन को बचाने वहां पहुंच जाते हैं। 3 साल के करीब वो लोग एक भयावह जगह पर मौत के साथ लड़ते हुए आखिर में अपनी जान बचा ही लिया। अमेरिका की हार्ट से ग्रीनलैंड को बचाने की ये खतरनाक मिशन पूरा होता है कैप्टन और ईवर के इस सफर से। दोनों जवानों को मेडल देकर सम्मानित किया जाता है और कैप्टन अपनी गर्लफ्रेंड नाजा को वापस पा लेता है और इसी तरह से रियल लाइफ बेस्ड मूवी खत्म होती है।